आज की वीडियो में मैं करने वाला मिथ बातचीत, मतलब जो मिथ जो आपने मुझे बोले हैं वो मिथ करने वाला हूँ मैं आज। तो मैंने जो है बहुत सारे मिथ जो है गूगल से भी ले रखे हैं और बहुत सारे मिथ जो है यूट्यूब में देख रखे हैं, तो फिर उन्हें जो है आज मैं ट्राई करने वाला हूँ एकदम खतरनाक। तो अब हमारा पहला मिथ है कि अगर मैं दोनों हाथों में टोटम पकड़ूंगा तो पहला राइट वाला हैंड का टोटम ऑफ हो गया या लेफ्ट हैंड का, तो देखते हैं। चलो यार, राइट हैंड का होता है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का जो है टोटम ऑफ हुआ, मतलब भाई सीरियसली ये टोटम आगे था उससे, आगे था ये टोटम। चलो अब जो है हमारे दूसरे मिथ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं जो है फॉक्स को स्पॉन करूँगा, सबसे पहले जो एक प्लेट ओजे का बना लेते हैं, फेंसिंग से जो है एरिया, एक एरिया ले लेते हैं जिससे जो है फॉक्स इधर उधर भागे ना, क्योंकि मैं जो है उसे बहुत मारने वाला हूँ। और ये जो है फॉक्स कर दिया, अब मुझे जो है इसे टोटम देना है, और ये टोटम दे दिया और इसने पकड़ भी लिया ये टोटम। और अब जो है मैं इसे मारूंगा तो ये टोटम यूज़ करेगी या नहीं करेगी ये देखते हैं। चलो पहले शॉट पकड़ लेते, एक ही शॉट में मर जाएगी, अब पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। फैंस भाई कहाँ भगी भाई, ये बहुत खतरनाक है। ओ यूज़ कर लिया टोटम, ये देखो वो ये केमिकल के वो पोषण भी निकल लेते, मतलब यूज़ कर दिया इसने टोटम। और अभी जो है हम अपना दूसरा मिथ इस्तेमाल करने वाले हैं कि दूसरा एक विदर दूसरे विदर को मारेगा या नहीं मारेगा, तो ये जो ज़्यादा ही कोने में हो गया। बीच में करते हैं विदर को स्पॉन, एक विदर मतलब दो विदर हम स्पॉन करेंगे तो एक दूसरे को मारेंगे या नहीं ये देखने वाले हैं। विदर हर किसी को मारने लग जाते हैं सामने जो भी उनके आता है। तो अभी जो है इसे स्पॉन होने दो, ये स्पॉन हो गया। आप जो है इसके बगल में एक और भी इधर स्पॉन करता हो जिससे जो इनकी फाइट शुरू हो, और देखने में मज़ा भी है मेरे को। और ये भी इधर हट जा, चलो लग गया हो। और अब जो है मुंडी लगानी है सिर्फ और सिर्फ, अब देखते हैं फाइट करते हैं या नहीं करते हैं दोनों भी इधर एक साथ। लग तो रहा है ऐसे फाइट करने जैसा, पीछे वो वाला भी इधर आ रहा है इसके, और ये फूट गया। अब फाइट कर रहे हैं भाई, ये फाइट ही नहीं कर रहे ये भाई, ये इधर तो बहुत बेकार है इतनी है। लेकिन अगर हमारा तीसरा मिथ है, अगर मैं 20 काऊ जो है स्पॉन करता हूँ एक गड्ढे के अंदर, तो फिर मैं जो है हवा में उड़ने लग जाऊँगा। तो दो जो है छोटे काऊ होगी, छोटे काऊ मतलब दो जो है छोटी काऊ होगी। अब जो है मैं इसके अंदर कूदूँगा तो फिर भाई मैं तो उड़ा ही नहीं मैं। अगर मैं वो दो छोटी काऊ होगी थी ना तो उनकी जगह बड़ी काऊ कर देता हूँ, और अब जाऊंगा तो अभी भी नहीं उड़ा। एक बार एक काम करता हूँ, सर्वाइवल करता हूँ अपना, फिर जाता हूँ अंदर, कर दिया सर्वाइवल। अब जो अंदर जाता हूँ गड्ढे के, उड़ता हूँ या नहीं उड़ता, ये नहीं उड़ रहा भाई, उड़ा दो रे बाबा, ये मिथ तो फेक निकला यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, गाँव तो उड़ा ही नहीं रही। चलो अब हमारा जो है चौथा मिथ होने वाला है कि अगर मैं एंड ड्रैगन लूँ, एंड ड्रैगन ना यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, एंड ड्रैगन सच मारना पड़ेगा। देखो मैंने एंड ड्रैगन ले लिया है, अब मतलब एंड ड्रैगन एग, ये ड्रैगन एग जो है इसे मैं अगर खोदूँगा, पिकेक्स ले लेता हूँ सबसे पहले, हाथ से तो ये खोदेगा अभी नहीं, पिकेक्स ले लेता हूँ नेदरराइट की, और फिर जो है अब सर्वाइवल करते हैं। अगर मैं सर्वाइवल में इसे खोदूंगा तो ये खुदेगा ही नहीं, वो हवा में उड़ जाएगा, मतलब भाग जाएगा, टेलीपोर्ट कर देगा अपने आप को। देखो मेरे कोशिश करें खोदने की, खुद ही नहीं रहा, भग जा रहा पता नहीं कहाँ पर। और अगर मैं मामूली से ब्लॉक खोदूंगा तो वो एकदम खुद जाएंगे अपनी जगह पर रहते हो, लेकिन ड्रैगन का एग जो है वो इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन अगर मैं इसे पानी में स्पॉन करूँगा और जो है तोड़ूँगा तो फिर ये जो है टूट जाएगा और भागेगा भी नहीं इधर उधर, टेलीपोर्ट भी नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं पानी में ये टूटता है नहीं टूटता। और यहाँ पर जो है ओ भाई टूट गया रहा है, ओ भाई टूट भी गया पानी में भाई, ये मिथ तो सही सही निकला। चलो अब जो है चौथा मिथ जो है इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं एंड ओ क्या बोलते इसे, एंड क्रिस्टल जो है इधर ऑप्शन, मतलब अगर मैं एंड क्रिस्टल से टीएनटी मतलब टीएनटी रखूंगा और टीएनटी को ब्लास्ट करूंगा तो एंड क्रिस्टल जो है टूटेगा नहीं और बाकी हर चीज़ टूट जाएगी। तो
चलो ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, और एंडी क्रिस्टल जो है या बीच में रख देते हैं। अरे एंडी क्रिस्टल नीड, एंडी क्रिस्टल जो है रख देते हैं, आप गलती से खुद गया। ये एंडी क्रिस्टल रख दिया, इसके बगल में जो है रख देते हैं फालतू सामान भी, ये एग भी रख देते हैं और ऑप्शियन भी रख देते हैं, और देखते हैं कि ये एंड क्रिस्टल टूटता है नहीं टूटता। तो मैं जो है अभी फिल्टन स्टील ले लेता हूँ और जो है टीएनटी को जो है ब्लास्ट कर देता हूँ, और देखते हैं टूटता है नहीं टूटता है एंड क्रिस्टल। वो टूट गया, सातवां ऑप्शन भी टूट गया जो मैंने फेंका था। अरे भाई ऑप्शन भी टूट गया, ये जो ऑप्शन लगाया ये तो नहीं टूटा। ये देखो ये मैंने एक और टीएनटी लगाया, ये ऑप्शन जो नीचे लगाया ये तो नहीं टूटा, वाला ऑप्शन टूट गया, ये वाला ऑप्शन नहीं टूटा। चलो अब जो है हमारा चौथा मिता, अगर मैं जो है एंड रोड जो है लगा दूंगा घर के आगे तो फिर ज़ॉम्बी जो है मेरे को मार नहीं पाएंगे। तो ट्राई करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा घर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना हमें, और यहाँ पर जो है एंड रोड लगा देते हैं। अब जो है रात कर देते हैं, काम करते हैं, फिर जो है ज़ॉम्बी को स्पॉन करेंगे, वरना सुबह में तो जल के मर जाएंगे। अब जो है सर्वाइवल कर देते हैं और जो है ज़ॉम्बी स्पॉन करते हैं, कर दिए तीन चार ज़ॉम्बी। अब जो है मैं इसके अंदर जाऊँगा तो ये ज़ॉम्बी मार पाएंगे, अरे भाई अंदर ही नहीं आ पा रहे, वही घूमे जा रहे अंदर ही नहीं आ पा रहे, अपने हाथों की वजह से, इनके हाथ ज़्यादा ही वो मोटे है ना, इसलिए अंदर नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर मैं फेंस लगाऊंगा तो शायद ये अंदर नहीं आ पाएंगे, मेरा जब एंड रोड से नहीं आ पा रहे तो फेंस से कैसे आ पाएंगे, फेंस लगाने से भी अंदर नहीं आ पाएंगे लोग मेरे हिसाब से। तो वैसे मैंने कहीं देखा नहीं है वीडियो में ऐसे फेंस लगा के बताना कि अंदर नहीं आ पाएंगे, तो मैं जो है ट्राई करने वाला। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊँगा यार, मैं अंदर कैसे जाऊँगा, ए भाई मैं अंदर कैसे जाऊँगा यार, बीच की फेंस तोड़नी पड़ेगी मुझे। अरे भाई मैं अंदर समझ में नहीं आ रहा यार, मैं अंदर कैसे जाऊँगा अब, या कोने में भी फेंस लगा देते हैं। अभी जो है सर्वाइवल करके जो है ज़ॉम्बी को स्पॉन करेंगे, सर्वाइवल कर दिया, ज़ॉम्बी आ रहा था पहले से। अगर मैं इसके सामने जो है थोड़ा सा दूर यहाँ पर लगाऊँगा तो ये ज़ॉम्बी अंदर आ पाएगा, नहीं आ पा रहा भाई अंदर, देखो ये ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पा रहे हैं, अंदर नहीं आ पा रहे, ये चार पांच ज़ॉम्बी स्पॉन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर है दो ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पा रही। तुम बोले होंगे कि जो इस फैंस की वजह से हो रहा है कि ज़ॉम्बी हवा में उड़ रहा है ज़्यादा ही, तो इस फैंस को तोड़ के जो है अपन मामूली ब्लॉक लगा के जो है ज़ॉम्बी स्पॉन करूँगा, तो वो भी नहीं आ पा रहे अंदर भाई। इसका मतलब वो जो सीधे में चीज़ होती है, मतलब जो डंडे टाइप की चीज़ होती है उसके अंदर जो है ज़ॉम्बी आ ही नहीं पाते। तो अब जो है क्रिएटिव करते हैं और जो है टाइम डे करते हैं, और इन ज़ॉम्बियों को देखना मरते हुए, जलते जलते मर रहे हैं, पानी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है, और बढ़िया लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।